जय हिंद दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश वर्सेस अफ़गानिस्तान ओडीआई सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ का पहला मुकाबला कल होने वाला है जो कि दोस्तों 10:30 बजे सुबह खेला जाएगा। तो दोस्तों मैं इसी मैच की 5 टीम की कॉम्बिनेशन प्लस मैं आपको पिच रिपोर्ट मैच डिटेल, उसके साथ में आपको टीम कंपेरिजन और उसके साथ में दोस्तों आपको की प्लेयर इस कम्प्लीट वीडियो में बताऊँगा, जिसकी मदद से आप 100% विनिंग कर पाएंगे फैंटेसी ऐपों में, वो चाहे हेड टू हेड हो, एसएल हो या फिर जीएल हो। तो तीनों ही फॉर्मेट में आपको जीत मिलेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा ही फॉलो करते हैं। तो होप करते हैं आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो को पूरा ही पूरा लाभ उठाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, 1 बाय 1 मैं सारी बातें पे डिस्कस करूंगा। उससे पहले अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन होइएगा और उसके साथ में दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर भी जरूर जाइएगा। तो पहले पिच की ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो पिच है वो स्टेडियम का नाम है दोस्तों जाहूर स्टेडियम, जो कि जाहूर चौधरी स्टेडियम से नाम से जाना जाता है, जहां पे दोस्तों जो एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है वो 243 रनों की एवरेज स्कोर निकल कर आ रही है। मतलब 243 का यहां पे स्कोर लगभग में बनता है एवरेज स्कोर। और जो पिच है वो रिसेंट के मैचों में बैटिंग को फेवर किया है। हालांकि दोस्तों 50-50 का मैच है तो विकेट्स भी गिरेंगे, बहुत ही ज़्यादा विकेट्स गिरेंगे, तो आपको बॉलर्स पर भी फोकस करना पड़ेगा। हालांकि ऑलराउंडर को भी आप यहाँ पर शामिल अपने टीम में कर सकते हैं, जिससे आपको और बेहतर रिजल्ट मिले, बॉलिंग का और बैटिंग का ऑप्शन और भी बढ़ सकता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो पिच है वो बैटिंग को फेवर कर रहा है, ये अपने दिमाग में रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इस पिच में स्पिनर्स को 35% का सपोर्ट है और पेसर्स को 65% का सपोर्ट है। तो आपको थोड़ा पेसर्स बॉलर्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि अगर आप 6 बॉलिंग के ऑप्शन रखते हैं तो 2 स्पिनर्स और 4 आप यहाँ पे फास्टर को लेकर अपना टीम बना सकते हैं, जिससे ताकि आपको और बेहतरीन टीम मिले। और बात करें वेदर, तो दोस्तों वेदर क्लियर स्काई रहेगी और टेम्परेचर आपको 20 के आसपास देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी पिच की कहानी थी। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि पिच कैसी बिहेव करने वाली है और किसको आपको फेवर करना है, कितने बॉलर कितने बैट्समैन भी रखना है। मैंने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं, आपको यहाँ पे पिच मतलब दोनों ही टीमों की कंपैरिजन बताते हैं। तो दोस्तों दोनों ही टीम जो अपना रिसेंट का 5 मुकाबला खेल कर आ रहा है, दोनों ही टीम अच्छी परफॉर्मेंस की है अपने रिसेंट के 5 मुकाबले में। अब बांग्लादेश की बात करें तो रिसेंट के 5 मुकाबले में उसने 4 मुकाबले में जीत दर्ज की है और मात्र 1 ही मुकाबला जो है वो हारा है। अपने रिसेंट के 5 मुकाबले में वो कोई भी देशों के साथ खेले होंगे तो इनका रिजल्ट है 50-50 में। वही अफ़गानिस्तान की बात करें तो इनका भी लाजवाब फॉर्म है दोस्तों, 5 मैचों में 1 भी मैच नहीं हारे हैं। हालांकि दोस्तों जो भी ये मैच खेले वो छोटी टीमों के विरुद्ध में खेले हैं, जैसे कि दोस्तों आपके स्कॉटलैंड होते हैं, मतलब आयरलैंड होते हैं, छोटे छोटे टीमों के साथ खेले हैं। इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो यहाँ पर आपके जो दोनों ही का टीम है तो यहाँ पे जीत का ज़्यादा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेशियो दोस्तों। हालांकि दोनों ही टीमों की कंपैरिजन निकालेंगे तो बांग्लादेश आपकी आगे रहेगी। इस मैच में भी बांग्लादेश का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहेगा और बांग्लादेश को आप थोड़ा फेवर कर सकते हैं। तो ये टीम कंपैरिजन की कहानी थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मैच में प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो दोस्तों इस मैच में आपको प्लेइंग 11 में एम रहीम, लिटन दास, गुरबाज और दोस्तों अखिल शायद नहीं खेलेंगे इस मैच में। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर आपके होते हैं। बैटिंग के सेक्शन में आपको दोस्तों तमीम इकबाल खेलते हुए दिखेंगे, आरसा यहाँ पे साहिदी खेलेंगे दोस्तों, नजीबुल्ला खेलेंगे, ए हुसैन खेल सकते हैं या फिर जाहूर चौधरी खेलेंगे। तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके साथ में आपको इस यहाँ पे जर्दान भी खेलते हुए आपको इस मैच को दिख सकते हैं। और उसके बाद आपके ऑलराउंडर के सेक्शन में यहाँ पे साकिब हसन, मोहम्मद नाबी की खेलने की संभावना थोड़ी कम है। अगर खेलेंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे मोहम्मद नाबी को नहीं रख रहा हूँ अपने कोई भी टीम में और आपको भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर खेलेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन इस मैच में रहेंगे। महमूदुल्ला खेलेंगे दोस्तों, जी नाबी खेलेंगे यहाँ पर और माजी भी खेलते हुए देख सकते हैं। फाइनल अपडेट आई नहीं है तो हम इनको अपनी टीम में शामिल नहीं करेंगे। और मोहम्मद हसन मिराज भी इस मैच को खेलेंगे। वही बात करें बॉलिंग के सेक्शन में तो दोस्तों यहाँ पे राशिद खान खेलते हुए दिखेंगे, मोहम्मद रहमान खेलेंगे, मतलब मुस्तफिजुर रहमान, मुजीब उर रहमान, टी अहमद और दोस्तों यहाँ पे आपको एस इस्लाम, एन अहमद की शायद ना खेल सके इस मैच में, लेकिन आपको अपडेट यहाँ पे आपको कर दूंगा, अभी ले सकते हैं अपने टीम में। और क्वासी अहमद, उसके साथ में आपको एफ हक इस मैच को खेलते हुए दिख सकते हैं। तो इतने सारे प्लेयर्स इस मैच में खेलेंगे। जिनको लेकर आपको अपना टीम बनाना है। अब चलते हैं आपको की प्लेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इस मैच में की प्लेयर आपके रहने वाले हैं साकिब हसन, राशिद खान, महमूदुल्ला, नजीबुल्ला, उसके बाद राशिद खान तो होंगे ही, लिटन दास आपके इस मैच के हो सकते हैं, और यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान, मुजीब उर रहमान, और उसके बाद एस इस्लाम और महमूदुल्ला, ये सारे आपके इस मैच के की प्लेयर होने वाले हैं। एक दो प्लेयरों को मैंने डबल काउंट किया है, हालांकि 8 जो प्लेयरों का नाम मैंने लिया है वो बेहतरीन इस मैच में हो सकते हैं, एक आध दो प्लेयर और भी हो सकते हैं, क्योंकि 50-50 का मुकाबला है, सभी को भरपूर यहाँ पर मौका मिलेगा यहाँ पे परफॉर्मेंस करने का। तो ये दोस्तों मेरी पहली टीम है जिसको मैंने हेड टू हेड के लिए डिज़ाइन किया है। अगर कुछ चेंजेस करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे एक बैट्समैन हटाकर यहाँ पे ऑलराउंडर और भी डाल सकते हैं, और बॉलिंग के ऑप्शन और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एम रहीम के जगह लिटन दास को भी रख सकते हैं, लेकिन ये हेड टू हेड की टीम है तो ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए आप दोस्तों यहाँ पर ए हुसैन को हटाकर लिटन दास को रख सकते हैं, ताकि आपको बेहतरीन ऑप्शन मिले। और दोस्तों नहीं तो पहले यहाँ पर सेम टीम से आप जा सकते हैं, तो इस टीम को आप ज़रूर लगाएंगे, ये टीम आपको ईजिली विन करवा सकती है हेड टू हेड का मुकाबला, क्योंकि जो आपके अपोनेंट होंगे कप्तान तो सेम ही रखेंगे और वाइस कप्तान भी बहुत ही हद तक सेम रहेगा। अगर चेंजेस करना चाहते हो तो आप महमूदुल्लाह के साथ जा सकते हैं, गुरबाज के साथ जा सकते हैं और नाजीबुल्लाह के साथ जा सकते हैं। टी इकबाल भी आपके पास ऑप्शन में है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, हालांकि सेम टीम से भी जा सकते हैं। इस टीम को आपको हेड टू हेड और साथ ही साथ मिनी जीएल और ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर लेनी है। ये मेरी दूसरी टीम है जहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने बॉलिंग को यहाँ पे फेवर करते हुए, बांग्लादेश के तरफ से बॉलिंग फेवर करते हुए टीम बनाई है। 5 बॉलिंग के ऑप्शन और यहाँ पे 5 बैटिंग के ऑप्शन बांग्लादेश की तरफ से होती है, और 3 बैटिंग के ऑप्शन यहाँ पे आपको अफगानिस्तान की तरफ से दिख रही है, और 1 बॉलिंग के ऑप्शन मात्र। तो अगर आप बॉलिंग यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं तो गुरबाज को हटाकर यहाँ पर एक और बॉलिंग बढ़ा सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपके अफगानिस्तान की तरफ से थोड़ी सी बॉलिंग को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। हालांकि ये टीम भी बहुत ही अच्छी है, इस टीम से आप मिनी जीएल जीत सकते हैं जहाँ पे 3-4-5 अपोनेंट होते हैं। अगर उस लीग को जीतना चाहते हैं तो ये टीम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगी। अब चलते हैं आपको रिस्क टीम्स दिखाते हैं जहाँ पे रिस्क लेकर आप इजीली विन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिस्क लेते हुए बनाया है, देख पा रहे होंगे कि कप्तान मैंने राशिद खान को और इधर से 4 बॉलिंग के ऑप्शन रखे हैं, जो कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अफगानिस्तान की तरफ से 4 बॉलिंग के ऑप्शन और 3 बॉलिंग के ऑप्शन इधर से हैं बांग्लादेश की तरफ से। हालांकि इस टीम में बैटिंग के ऑप्शन थोड़े से कम है, बट आपके लिए फ़ायदेमंद टीम है, क्योंकि दोस्तों 50-50 का मैच है, बॉलर्स को भरपूर मौका मिलेगा, और ये 1-1, 2-2 विकेट भी लेते हैं तो आपको बेहतरीन यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट दे सकते हैं। तो ये टीम भी बहुत ही बेहतरीन है, इस टीम से आप मिनी जीएल नहीं दोस्तों ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। और ये मेरी चौथी टीम है जिससे आपको ग्रैंड लीग जीतना है। इस टीम को भी देख पा रहे होंगे मैंने कि थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट टीम बनाई है और थोड़ी सी बेहतरीन टीम बनाई है। इस टीम में मैंने देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने बांग्लादेश को फेवर किया है, और साथ ही साथ दोस्तों इस टीम में थोड़े से अतरंगी प्लेयर हैं जो कि आपके अपोनेंट के पास थोड़ा कम ही रहेगा, जैसे कि ए हुसैन है, रहीम है, मोहम्मद मिराज है, और आपके पास देख पा रहे होंगे एस इस्लाम है। तो ये सारे सभी प्लेयर आपके अपोनेंट में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम परसेंटेज लोग ये टीमों को रखेंगे, मतलब ये प्लेयरों को रखेंगे अपनी टीम में। तो आपको रख कर यहाँ पर मौका का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि दोस्तों चल भी सकते हैं, क्योंकि 50-50 का मैच है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रेफरेंस तो सभी प्लेयरों को रहता है कि वो चल सकते हैं। ये मेरी आखिरी टीम है जिसको मैंने ग्रैंड लीग के लिए डिज़ाइन किया है। इस टीम में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मैंने 6 बॉलिंग के ऑप्शन और इस टीम में बैटिंग के ऑप्शन मैंने बढ़ा दी है। देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ पे आपको 8 बैटिंग के ऑप्शन भरपूर मिलते हैं। तो ये टीम भी बहुत ही बेहतरीन है, इस टीम से भी आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने बताई है, 5 कॉम्बिनेशन को आपको लगा लेना है। इनकेस इनमें से कोई चेंजेस होगी तो मैं आपको अपडेट टेलीग्राम पे कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे कर दूंगा, तो बेफिक्र रहेंगे दोस्तों, सभी टीमों को आप लगा लेंगे। आपको कोई अपडेट की ज़रूरत होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हालांकि दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, और करेंगे भी, क्योंकि दोस्तों इतना मेहनत मैं आप ही के लिए ही कर रहा हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो आपको जो मैंने बोला है वो ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।